तोपचांची प्रखंड के भुइयां चित्रो गांव में अपनी पूरी जिंदगी बिता देने वाली अब अंतिम सांसें गिन रही है। नसीबन बीबी का आशियाना उजड़ गया है, उनके ही भतीजे ने उनके छोटे से कुटिया को तोड़ डाला है। अब इस बरसात के मौसम में बेचारी बेसहारा बूढ़ी आखिर जाए तो जाए कहां। अब आलम है कि इस बरसात के मौसम में बूढ़ी नसीबन बीबी अपनी किस्मत को कोसते हुए इंसाफ की गुहार लगाकर थक चुकी है और दर दर भटकने को मजबूर है। कहाँ रह बाबू, हमर पता नहीं, हमर भतार नहीं, हम कहाँ रहूँ, बैठा रहा हम कहीं रहा है कुछ दूरिया सुतल घरवा में, तो घरवा कुछ सुतल तो हम कहाँ रहूँ वर्षा के दिन में। कौन तोड़ दिया घर आपका? अब क्या तोड़ दिला से आज हमर दौर के बेटा दिन। नसीबन बीबी की नतनी कौशर जहां ने इंसाफ की गुहार लगाते हुए अब मीडिया का सहारा लिया। उनका कहना है कि मेरी नानी की उम्र ढल चुकी है और वो कब खुदा को प्यारी हो जाएगी कहा नहीं जा सकता। ऐसे में उनका आशियाना तोड़ दिया जाना कहां तक सही है। एक जो बूढ़ी औरत है और उसकी एक बेटी रह रही थी एक कुटिया में, मिट्टी का घर था, लेकिन इसमें ना ही मुखिया कोई साथ दिया इसको घर कॉलोनी बनाने में, इंद्रावास आने में, ना बीपीएल कार्ड है ना ही तो राशन कार्ड है। इन लोग के अंदर से कोई मुखिया का कार्रवाई हुआ है आज ना कुछ हुआ है। एक कुटिया में किसी तरह से जिंदगी काट रही थी, मेहनत मजदूरी करके खा रही थी, वो भी आज दूसरे भाई के गोतिया के हिसाब से उन लोग का बन रहा था घर, जिसमें उसका भी घर तोड़ दिया, अब उसका रहने का भी कोई ठिकाना नहीं। नसीबन में भी कहती है कि शादी के बाद से ही वो यहाँ रहती आई, अब ना तो उनका बेटा है न पति, ऐसे में वो जाए तो जाए कहाँ। वहीं मंजूर कहते हैं कि उन्होंने बूढ़ी माँ का घर नहीं तोड़ा है, उनका घर तो 20 साल पहले ही टूट चुका है। इस मामले को लेकर जब हमने स्थानीय मुखिया शोएब अंसारी से मुलाकात करनी चाहिए तो वो उपलब्ध नहीं। मुखिया जी से फोन पर बात करने पर पता चला कि मामला बिल्कुल सही है, बेसहारा बूढ़ी महिला का घर वहाँ था, उनका घर टूट गया। उन्होंने कहा कि वो उनका घर जल्दी बनवा दें। अब देखना ये है कि आखिर नसीबन बीवी को एक आशियाना कब मयस्सर होता है। राजू प्रसाद, न्यूज 11, गोमो।